नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रेडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों मैच में हारते हैं आप। कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं आज, शायद वो आप समझ कर लॉस कवर कर सके। सबसे पहला पॉइंट जो है, सही जानकारी ना होना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मैच के बारे में सही जानकारी उनको कुछ भी नहीं होती है, और कुछ भी किसी के भी नॉलेज में आके वो कुछ भी सौदे करते रहते हैं, और जिसके कारण उनको मैच में लॉस होता है। उनको ठीक से कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन से टीम के कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्या वेदर रिपोर्ट है, क्या कंडीशंस हैं, और जिसके कारण उनको बहुत लॉस हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, लगभग सटीक अनुमान न लगा पाना। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि सेशंस की बात आती है तो 20 बॉल पे 40 रन चाहिए, 35 रन चाहिए, तो सटीक अनुमान नहीं लगा पाते। वो क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि अगले के अगले ओवर में कौन सा बॉलर आ सकता है। कुछ कैलकुलेशंस नहीं करते, वो सिर्फ किसी ने बोल दिया कि बन जाएंगे तो वो लोग उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण उनको लॉस होता है। कहने का मतलब है, अपना दिमाग नहीं चलाते, कुछ भी ट्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं करते, कुछ नॉलेज नहीं रखते। थर्ड पॉइंट, आप सभी जानते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाने की इच्छा। इस पॉइंट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत अच्छी चलती है, अच्छा पैसा कमा भी लेते हैं वो, पर ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कमाना है। अगर आपने 4,000 कमाए, नहीं 4,000 कम है, इससे ज़्यादा और कमाना है मुझे, तो और कमाने के चक्कर में वो जो है लगा देते हैं, जिससे कि जो उनका प्रॉफिट है वो भी चले जाता है। उसके बाद में वो उसको कवर करने के लिए, प्रॉफिट कवर करने के लिए वो और लगा देते हैं, जिससे कि वो लॉस में चले जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपने अगर 2,000, 3,000, 5,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 कमा लिए तो आपको लालच आ जाता है, या फिर आपकी और इच्छा होती है कि और अधिक हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका सौदा उल्टा हो जाता है और वो जो भी आपने प्रॉफिट किया वो लॉस हो जाता है, उल्टा जेब से लग जा रहे हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। जितना आपके पास में आया है वो आपका प्रॉफिट है। आप न इससे घर बंगला कुछ भी नहीं बना सकते, बात ध्यान रखना। सिर्फ खर्चा निकालने के लिए आप इसका यूज़ करो, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैच में मत उलझो। फोर्थ पॉइंट, जो कि ज़्यादा लालच करना। ज़्यादा लालच करना वो ऐसा होता है कि आपने अगर अच्छा खासा पैसा कमा लिया है दिन में, जैसे दो मैच है, पहले मैच में आपने पैसा कमा लिया है तो आप उठ जाओ, दूसरे मैच पे मत बैठो। पर कुछ लोग होते हैं, वो उनको सारे मैच करना होते हैं। अगर IPL में 60 मैच है तो 60 मैच करना है उनको, CSA में अगर 15 मैच है तो 15 मैच करना है उनको, PSL में अगर 55 मैच है तो 55 मैच करना है, जितने भी फॉर एग्जांपल जितने भी मैच है सारे करना है, तो आप कभी नहीं कमा पाओगे। गिने चुने कुछ मैचेस होते हैं जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तब आप जो है उसमें अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप हर मैच पे बैठेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। किसी और की बातों में आना, बहुत बार दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे करते हैं, अपने दोस्तों से राय लेते हैं कि क्या लगता है तुझको, इतने रन बन जाएंगे, क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो कोई बोलता है कि अरे मेरा तो अनुमान कभी गलत नहीं होता है, और आज तो मेरे को सपना आया, आज ऐसा हुआ वो हुआ, आज ये टीम जीतेगी। अरे तू तो देख, आज बस ये जीतेगा, अब तो छक्का आएगा, अब तो ये आएगा, अब तो वो आएगा, अब तो विकेट आएगा। तो उस चक्कर में दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते, जिससे कि उनको लॉस होता है। छठे पॉइंट से आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट जानकारियाँ चालू होती है, तो आखिरी तक बने रहिए वीडियो के, मैच के अपडेट की पूरी जानकारी ना होना। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैच में कमाना है तो पूरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैच का एक एक अपडेट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर इंजर्ड है, कौन सा खेल रहा है, कौन सा इन फॉर्म बैट्समैन है, कौन सा आउट फॉर्म बैट्समैन है, प्लेयर्स के प्रीवियस रिकॉर्ड्स कैसे हैं, कौन से ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा है, वेदर कंडीशंस क्या है, कौन सी धरती पे खेला जा रहा है, कौन से ग्राउंड पे, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, कहाँ पर मैच खेला जा रहा है, क्या ड्रेसअप सेंस है उनका, और प्लेयर्स के बीच में कैसे इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, क्या बीच बीच में कोई दूसरा प्लेयर, तीसरा प्लेयर बार बार ग्लव्स लेकर, बैट लेकर, बॉल लेकर ग्राउंड के बीच में आ रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें और मैच को समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपको एक सही तरीके से अनुमान लगाने में आपको मदद मिलेगी। खिलाड़ियों के फॉर्म के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जी हाँ, आपने सोचा है कि नेक्स्ट बैट्समैन दिनेश कार्तिक आएगा,
और वो अभी फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा रन नहीं बना पाए, या कम बॉलों पे भी लेवल रन चाहिए तो भी वो बना ना पाए। तो बहुत बार हमको ऐसा भी हो जाता है कि खिलाड़ियों के फॉर्म के बारे में पता नहीं होता है। कुछ खिलाड़ी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे। आपको बॉडी लैंग्वेज से समझना पड़ता है उसका कॉन्फिडेंस कैसा, ग्राउंड पे आने का तरीका क्या है, किस तरह से बैटअप उसने किया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको पता चलती है कि खिलाड़ियों का फॉर्म कैसा है। उसके बाद कुछ न्यूज़ आती है, उसको आप ध्यान से सुन सकते हैं और आप नेट प्रैक्टिस में देख सकते हैं कि उसकी कैसी प्रैक्टिस चल रही है। एट्थ पॉइंट की बात करें हम कि पिच कैसी है, ये जानकारी ना होना इससे भी लॉस होता है। बैटिंग है या बॉलिंग पिच है, कौन सी पिच है ये भी आपको पता होना चाहिए। पिच पे ग्रास है तो बॉल स्लाइड टर्न होगी या ना होगी, ब्लाइट पिच जो है फ्लैट है तो बाउंस मिलेगा आपको। ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। पिच में अगर दरारें हैं तो इन स्विंग आउट स्विंग हो सकती है। अगर बैट्समैन खेल रहा है और फुट स्टेप्स बने हुए हैं पिच के ऊपर तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस फुट स्टेप पे बॉल पड़ते से ही बॉल एकदम से बाउंस लेती है, टर्न लेती है, वाइड चली जाती है। तो ये अगर एकदम फ्लैट पिच है, बार बार रोलर हो रहा है उस पिच पे, तो बैटिंग पिच हो जाती है। अगर बॉलिंग पिच है, कुछ निशान वगैरह है तो बॉलिंग पिच हो जाती है। शाम के वक्त पिच पे ड्यू आ जाता है, शाम के वक्त समुद्र के किनारे जो भी ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यू होता है, इसलिए आपने सुना होगा बहुत सारे कमेंटेटर बोलते हैं कि बस अब ड्यू आ गई है तो इससे जो है सेकेंड टीम को फ़ायदा मिलता है। ड्यू में आपको पता होगा कि जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि फ़ायदा ये होता है कि जो फर्स्ट टीम पर जो बॉलिंग करती है उसको लॉस होता है, ड्यू पड़ती है जिससे कि बॉल की ग्रिप नहीं बन पाती है, तो बॉल की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। तो ईजीली आपने सुना होगा कि चेस करना ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ को। अगर 170 रन भी बनाए उन्होंने, 180-190 भी चेस करना ईजी हो जाता है। सबको पता होना चाहिए कि वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग पिच कैसी बनाई है उन्होंने। और आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स के पिचेस जो है एकदम फ्लैट होती है, न्यूजीलैंड ग्राउंड्स की पिचेस फ्लैट होती है, बाउंस बहुत मिलता है। और हमारे यहाँ इंडिया की जो पिचेस है, बॉलिंग पिच होती है, लगभग टर्न अच्छा मिलता है, स्पिन अच्छी मिलती है। पर अब जो है ओवरऑल सब कुछ चेंज हो गया है, अपने अकॉर्डिंग पिच बनवाते हैं अलग अलग जो स्टाफ से, अलग अलग जो ग्राउंड है वहाँ की पिचेस अपने अपने हिसाब से टीम्स बनवाती है। जैसे इंडिया को अगर खेलना है तो वो अपने हिसाब से बनवाएगी कि आप इसको बैटिंग पिच बनाइए, बॉलिंग पिच बनाइए। हालांकि ये गलत है, ओरिजिनल पिच से छेड़छाड़ की जाती है। कई बार आपने देखा होगा दो पिचेस रहती है एक क्रिकेट ग्राउंड पे, तो जो एक पिच बैटिंग होती है एक बॉलिंग पिच होती है, तो बॉलिंग पिच से एंड जो है वो छोटा हो जाता है, छक्के चौके बहुत आसानी से आते हैं, और जो बैटिंग पिच है वहाँ पर थोड़ा सा टफ़ पड़ता है, बैटिंग पिच होते हुए भी रन नहीं मार पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नॉलेज होना चाहिए आप मैच अगर देख रहे हैं तो। अगला बैट्समैन कौन आएगा और किस बॉलर के कितने ओवर बाकी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आपको लॉस होता है। सपोज़ 30 बॉल पे अगर 55 रन चाहिए और आपको पता है कि अगला क्रिस गेल आने वाला है, तो आप जो है एक बार सोच सकते हैं कि हाँ यार ये रन बन जाएंगे। पर अगर आपको ये नहीं पता है कि क्रिस गेल के अगेंस्ट कौन सा बॉलर डालेगा, और अच्छा बॉलर अगर डाल रहा है तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि नहीं यार ये बॉलर बहुत अच्छे डालता है क्रिस गेल को, तो ये रन जो है नहीं भी बन सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ बैट्समैन को देख के ही आप ये अंदाज़ा नहीं लगाएं कि बन ही जाएंगे, आपको बॉलर को भी देखना पड़ेगा और उसके कितने ओवर बाकी है। पता चला कि 30 बॉल पर 55 रन चाहिए पर जो अच्छा बॉलर है उसका एक ही ओवर बाकी है, तो उस एक ओवर को क्रिस गेल अच्छे से खेल जाएगा, बाकी के 3 ओवर में रन बना देगा वो। तो ये अंदाज़ा भी आपको होना चाहिए, लगाना आना चाहिए। लास्ट ओवर कौन डालेगा ये आपको पता ना हो चाहिए। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि लास्ट ओवर कौन सा बॉलर डालेगा, और 12 बॉल पे अगर 20 रन चाहिए तो वो सोचते हैं कि बन जाएंगे अगर बैट्समैन मार रहा है, पर उनको ये नहीं पता होता कि लास्ट का जो ओवर है बहुत अच्छा, जैसे कि जसप्रीत बुमराह आ गया या भुवनेश्वर कुमार लेकर आ गया, तो ऐसे बॉलर्स जो डेथ ओवर में बिल्कुल रन नहीं खाते, अगर वो नॉलेज नहीं आपको तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपेयर, ये यहाँ पर कंपेयर है, आपको कंपेयर पता होना चाहिए कि कंपेयर क्या होता है। 6 और 10 ओवर के सेशन के रन कंपेयर अगर आप नहीं करते तो उसमें भी आपको लॉस होता है। लॉस कैसे होता है कि पहली टीम ने 6 ओवर में कितने रन बनाए थे, तो इस टीम ने 6 ओवर में कितने रन बनाए, उस टीम ने 10 ओवर में कितने रन बनाए थे, तो ये रन रेट के हिसाब से उसके बराबर चल रही है या नीचे चल रही है, इस हिसाब से भी मैच में अनुमान लगाया जाता है। खासकर ये T20 मैचेस में रन्स देखने की टेक्निक रहती है। 12वां पॉइंट है गलत व्यक्ति से जुड़ना। बहुत सारे लोग गलत बुकी या गलत व्यक्ति से जुड़ जाते हैं जैसे कि उनको लॉस हो जाता है, वो व्यक्ति उनको टाइम में पेमेंट नहीं देता है,
और ऐसे सेशंस देता है एक दो रन ऊपर देता है, तो उससे भी आपको लॉस हो जाता है। तो हमेशा अगर आपको ये चीज़ें करनी, वैसे तो गलत चीज़ है, ये बिल्कुल इलीगल है, आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अगर सही व्यक्ति के साथ करते हैं तो ही आपका कुछ हो सकता है, इसके अलावा गलत व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो आपको लॉस ही लॉस होगा। और 13 पॉइंट है ज़्यादा लापरवाह या खुश होना। कुछ कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं, उसको मेंटेन नहीं रख पाते, जिससे कि क्या होता है कि जब वो खुश उनको खुशी होती है तो वो सोचते हैं, उनके अंदर लालच भी आ जाता है, वो सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मेरा एक दो पास हुए तो मेरी किस्मत चल रही है, मेरा तीसरा भी पास होगा, चौथा भी पास होगा, तो अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको जो है जो प्रॉफिट हुआ है वो भी लॉस हो जाता है उनका, और उल्टा जेब से पैसे लग जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, हमेशा सही व्यक्ति के साथ जुड़ें और कोशिश करें कि ना करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल इलीगल, इंडिया में तो ये इलीगल है और दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो गलत तरीके से जो है इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो आपको यही राय देना चाहूँगा कि एक एक तरह का दलदल है, आप इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आज तक इसमें लोगों के घर, बंगले, दुकान सब नीलाम ही हुआ है, किसी ने बहुत कुछ ऐसे किस्मत वाले या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें कमाया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें बड़ा व्यक्ति ही कमाता है, छोटे व्यक्ति कभी नहीं कमा पाता। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी है, कुछ लोगों ने आप में इसको अनुभव भी किया होगा जो मैंने आपको बताया है, उससे आपको प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा, पर ये जानकारी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारी जो है आपको एक वीडियो, जो वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया है, तो आपसे मिलते हैं अगली बार, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, तो देखते रहिए हमारे चैनल क्रिकेट प्रिडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी चैनल को, क्योंकि ये नंबर 1 क्रिकेट प्रिडिक्शन चैनल है। थैंक यू।